नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होम टैब के पैराग्राफ मेन्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं और पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए हमें टाइप करना होगा इज इक्वल टू RAND रैंड लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर 5 पैराग्राफ ओपन हो जाएंगे और इसके बाद इन सभी ऑप्शन का हम यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, जो कि है बुलेट्स। बुलेट्स का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई डाटा पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंट कराना है तो आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ नीचे की तरफ आपको बुलेट्स आ जाएगा और यहाँ पर आप जो भी पॉइंट लिखना चाहें वो टाइप करके यहाँ पॉइंट टू पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपको ये बुलेट्स नहीं चाहिए तो आप इसे हटाने के लिए आपको एक बार और एंटर प्रेस करना होगा बिना कुछ लिखे, तो आपका जो बुलेट का पॉइंट था वो यहाँ से हट जाएगा। सिंपली जैसे आप पैराग्राफ टाइप करते हैं वैसे आप इसे टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बुलेट्स के अंदर भी बहुत सारे स्टाइलिश बुलेट्स हैं, आप इसमें से कोई भी बुलेट्स का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट्स का, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर चाहें तो सिंबल को बुलेट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सिंबल पर क्लिक किया, सिंबल पर क्लिक करने के बाद इसमें जितने भी सिंबल्स हैं इसमें और भी सिंबल्स हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी सिंबल लेना चाहें यहाँ से आप सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मान लीजिए इसमें से हम किसी एक सिंबल को बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मान लीजिए इस सिंबल को ले लेते हैं। इस सिंबल को लेने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो हमने सिंबल लिया था उसका बुलेट यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और अब आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, इस पर हम क्लिक करके डिफाइन बुलेट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा पिक्चर का एक ऑप्शन। पिक्चर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का एक ऑप्शन नज़र आएगा। इसके अंदर आप जहाँ से भी पिक्चर को लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर से पिक्चर को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी ब्राउज़र से इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बिंग ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी ड्राइव पर यानी आपकी पर्सनल ड्राइव पर अगर कोई डाटा रखा हुआ है, कोई इमेज रखी हुई है तो आप यहाँ से भी उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे बिंग इमेज सर्च, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने इमेजेस नज़र आ जाएंगे। इसमें से कोई भी इमेज आप सिलेक्ट करके उसका बुलेट यहाँ पर बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एप्पल, एप्पल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पर एप्पल्स नज़र आएंगे। जिस भी एप्पल का आपको बुलेट बनाना है उस एप्पल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके बुलेट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका बुलेट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो बुलेट था पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ बुलेट, यानी किसी इमेज को अगर आप बुलेट बनाना चाहें तो आप इस ऑप्शन की मदद से आप इसे ईजिली बना सकते हैं। इस पर एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बुलेट था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा यानी हट जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक एक करके इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी फॉन्ट का बुलेट्स बना सकते हैं या यहाँ से आप चाहें तो आप अपने बुलेट्स के फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको लेफ्ट में अभी एडजस्ट करना चाहते हैं या सेंटर में, सेंटर पे करेंगे तो आपका जो बुलेट होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेंटर में एडजस्ट हो गया। अगर आप यहाँ से राइट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बुलेट था वो हल्का सा राइट की तरफ चला गया, और अगर आप लेफ्ट करेंगे तो आपका जो बुलेट था वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसके अलाइनमेंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बुलेट्स के अलाइनमेंट्स को आप इजीली यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे और उसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर नंबरिंग के बुलेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपको नंबर्स के बुलेट्स नज़र आएंगे। का खा गा का बुलेट नज़र आएगा, 1 2 3 4 का बुलेट्स नज़र आएगा। तो डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स हैं, आप इसमें से कोई भी बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको यूज़ किया, इसको यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे बुलेट्स हैं। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग के बुलेट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसके नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर नंबर फॉर्मेट्स के काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। इसमें से क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये हिंदी का 1 2 3 4 सेलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे वही नंबर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश जो भी चाहें वो यहाँ पर आप ईज़िली यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे
आपके सामने यहाँ पर लेवल्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके के लेवल्स भी बना सकते हैं, जैसे वन के अंदर ए बी सी डी अल्फ़ाबेट देना चाहें, या आई बटन के अंदर अल्फ़ाबेट देना चाहें, या ए बी सी डी के अंदर अल्फ़ाबेट देना चाहें, तो यहाँ पर आप पॉइंट के अंदर पॉइंट आप चाहें तो ईज़िली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेट नंबरिंग वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स वैल्यू आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया 10 दे दिया, और जैसे ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वही नंबर वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स, अगर आप कोई सेक्शन बना रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई सेक्शन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका आर्टिकल फर्स्ट आ गया, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी मैटर लिखेंगे तो ये सारा का सारा आपका आर्टिकल बनता चला जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो सेकेंड आर्टिकल भी यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल, पैराग्राफ, सिंबल्स वगैरह देने के लिए यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन है जो कि आपके पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एडजस्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा हल्का सा लेफ्ट की तरफ एडजस्ट हो गया। इस पर जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार आपका डेटा यहाँ से लेफ्ट की तरफ एडजस्ट होता चला जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से चाहें तो आप राइट की तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए आप इसे चाहें राइट या लेफ्ट जैसे भी चाहें इसको ईजिली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको दिखाएगा यहाँ पर सॉर्टिंग का ऑप्शन। अब ये सॉर्ट ऑप्शन काफ़ी काम का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ मैटर तैयार कर लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया नेम। नेम लिखने के बाद यहाँ पर हम तीन चार नाम ले लेते हैं, जैसे हमने दे दिया अभय। अब ये जो नाम है हमारे वो अल्फाबेटिकल हैं, हम उनको क्या करना चाहते हैं, शॉर्टिंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ए वाले नाम पहले आ जाए, बी वाले नाम बाद में आए, सी वाले नाम उसके बाद आए, तो इस तरीके से हमारा ये जो डेटा है वो शॉर्ट हो जाए। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो ये नाम है, यानी नाम एक हेडिंग है, तो इसको हेडिंग को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से। अब हम जब भी सॉर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारा डिसेंडिंग असेंडिंग यहाँ से ऑटोमेटिक वो वर्क करेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग हमारा काम करेगा। यहाँ मान लीजिए हमने असेंडिंग ले लिया, असेंडिंग को सिलेक्ट करके जैसे हम ओके करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये जो हमारा नाम था वो बेसिकली एक हमारी हेडिंग थी, हम चाहते हैं कि हेडिंग को छोड़कर जितना भी नाम हो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग हो, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में कन्वर्ट हो। तो इसके लिए हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस से इस पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम एक नाम को और ऐड कर देते हैं, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर पंकज। और अब पूरे मैटर को हम क्या करेंगे, जैसे आप सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये जो मैटर है वो क्या चीज़ है, आप यहाँ पे बता सकते हैं कोई पैराग्राफ है, हेडिंग है या कोई फील्ड है। तो हमने फिलहाल ले लिया यहाँ पर पैराग्राफ। पैराग्राफ लेने के बाद इसको कितने तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर तीन टाइप हैं, आप टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, नंबर को सॉर्ट कर सकते हैं और किसी डेट को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग का, आप इसे असेंडिंग कर सकते हैं या तो डिसेंडिंग कर सकते हैं। अब इसको लेने के बाद हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए हमने इसको डिसेंडिंग में सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा हेडर रो, तो यहाँ पर आपको हेडर रो पर क्लिक कर देना है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा ये जो हेडर था वो हेडर यहाँ से शॉर्ट नहीं होगा, उसके बाद नीचे का जितना भी डेटा होगा वो हमारा यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो हेडर था वो वैसे का वैसे ही है और हमारा जो अल्फ़ाबेट था वो यहाँ पर सॉर्टिंग हो चुका है, डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसे असेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सॉर्ट पर क्लिक करना होगा। सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ रखना है, टेक्स्ट रखना है और यहाँ पर असेंडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पर हेडर रो को सिलेक्ट करना मत भूलना, आपको यहाँ पर हेडर रो को सिलेक्ट करके रखना है और सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ से मैटर जो था वो सॉर्ट हो चुका है। हमने यहाँ से स्पेस भी ले लिया था इसलिए यहाँ पर नीचे स्पेस आ गया है, तो इसको हम कट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि सॉर्टिंग के जो ऑप्शंस हैं इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, देन और बाय और हेडर, इस पर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे केस सेंसिटिव वगैरह की बात करें तो केस सेंसिटिव वगैरह जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारा सेम नाम को, यानी सेम अगर हमारे पास डेटा है तो उसको सेंसिटिव केस में किस तरीके से सॉर्टिंग करें। तो इन सब चीज़ इस चीज़ के बारे में हम अगर बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें हम इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके कवर करेंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने ऑप्शन है यहाँ पर शो और हाइट का। शो और हाइट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक वर्ड के लास्ट में हमारे सामने यहाँ पर ये मार्क नज़र आ जाएगा।
अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जो भी हमारा पैराग्राफ एंड होता है उस पैराग्राफ की एंडिंग ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया, यहाँ पर मान लीजिए हमने तीन पैराग्राफ ले लिए और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं उन सभी पैराग्राफ के एंड में आप देखेंगे ये मार्क बनकर आ रहा है, यानी कि ये आपको बताएगा कि आपका पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर एंड हुआ है। इस मार्क के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो मार्क था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी हट जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ अलाइंस हैं, अलाइनमेंट्स हैं, इनको कैसे आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से क्लिक किया मैटर को और एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ये मैटर हमारा इस पैराग्राफ से हट गया, यानी कट के अलग हो गया है और इस लाइन के आगे हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मैटर ऑलरेडी लेफ्ट में है, जैसे आप सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपका मैटर जो भी था वो आपका सेंटर में आ जाएगा और अगर आप राइट की तरफ क्लिक करेंगे तो आपका जो मैटर था वो राइट साइड में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इसको लेफ्ट, राइट, सेंटर तीनों ही पोजिशन में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा जस्टिफाई का। अब ये जस्टिफाई कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो मैटर है वो क्या है, वो सीक्वेंस में है। यहाँ पर देखेंगे कोई भी आगे पीछे मैटर नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस में है। और अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर मैटर आगे पीछे है। तो हम चाहते हैं कि जैसे इस तरफ हमारा मैटर बिल्कुल सीक्वेंस में है, इक्वली है, वैसे यहाँ पर भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जस्टिफाई पर क्लिक करना होगा। जैसे आप जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भी आपका मैटर जो था वो जस्टिफाई हो गया और यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो मैटर था वो इक्वल पोजीशन में यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर बीच में कोई मैटर एक्स्ट्रा ऐड भी करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीक्वेंस दोनों तरफ यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। ये यूज़ होता है हमारे जस्टिफाई का। जस्टिफाई के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिंग की तो आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि इनके लाइन के बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप के आप स्पेस यहाँ पर दे सकते हैं, कम या ज़्यादा। जो नॉर्मल स्पेस होता है वो 1.15 होता है। इसके अलावा आप जो भी स्पेस एक्स्ट्रा देना चाहें यहाँ पर आप चाहें तो दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल लाइन का स्पेस होगा, इससे ज़्यादा स्पेस यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद स्पेस होना चाहिए तो यहाँ पर उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप रिमूव आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ के बाद का स्पेस होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ईजिली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नज़र आएगा यहाँ पर ऑप्शन कलर्स का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इस हेडिंग को सिलेक्ट करके इसको कलर वाइज हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने रेड कलर, येलो कलर, कोई भी कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप कलर देंगे तो ये पूरा का पूरा लाइन हमारा जो होगा वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो वापस से आपको इसको सिलेक्ट करके रखना होगा और यहाँ पर आपको नज़र आएगा नो कलर का ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कलर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है हमारा बॉर्डर्स। आप चाहें तो पूरे मैटर को बॉर्डर में बंद करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पूरे पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स आपको नजर आएंगे। जो भी बॉर्डर आप यहाँ पर लेना चाहें वो बॉर्डर यहाँ पर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया, जैसे हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ यहाँ पर बॉर्डर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए आप किसी बॉर्डर को हटाना चाहते हैं, जैसे बॉटम का बॉर्डर हटाना चाहते हैं, लेफ्ट का बॉर्डर हटाना चाहते हैं, टॉप का, लेफ्ट का, राइट का, मतलब जिस साइड का भी आप बॉर्डर हटाना चाहते हैं, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वो बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ टेबल का भी आपके सामने ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेंसिल आ जाएगी। इस पेंसिल से चाहें तो आप अपने हिसाब से भी कोई टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी टेबल आप यहाँ पर ईजिली बना सकते हैं। इसके बारे में और वीडियो में हम देखेंगे, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में भी मिलेगा तो हम उस वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे होम टैब के सभी पैराग्राफ ऑप्शंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।